टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कोई उन्हें बेटा कहता है, कोई भाई, तो कोई गरीबों का मसीहा बताता है। अगर इनके बारे में और बताया जाए तो बता दें कि कोरोना काल में आपने न सिर्फ मानव सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बल्कि हर गरीब, असहाय और मजबूर की चौखट तक राशन भी पहुंचवाया। हम बात कर रहे हैं हर दिल अजीज हाजी यूनुस की, जो बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। सर, आपको ब्लॉक प्रमुख के लिए निर्विरोध चुना गया था, इसके बाद से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है विधानसभा उपचुनाव की, तो उसको लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है? हमारी और हमारी बहुजन समाज पार्टी की तैयारी साल दर साल तक रहती है। जैसा आपने बताया कि जितने गरीब लोग हैं उनके लिए हम 24 घंटे तैयार रहते हैं, और क्योंकि ये जिम्मेदारी हमारे पास नई नहीं है, इसी सीट से मेरे बड़े भाई मरहूम हाजी अलीम दो बार विधायक रहे हैं, और हम दोनों भाई एक ही साथ जो भी काम होता था, चाहे वो जनता का हो चाहे किसी की मदद का हो, जिस लायक भी थे वो दोनों तैयार रहते थे। इसलिए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और इंशाल्लाह ताला हम जैसे इसको निभाते आए हैं ऐसे ही कोशिश करेंगे कि अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर और पार्टी की गाइडलाइन को देखते हुए वो उसी तरीके की लोगों की खिदमत करेंगे, मदद करेंगे। सर, हाजी अलीम की बात की जाए तो वो दो बार यहाँ से विधानसभा चुनाव जीत कर विधानसभा में गए थे, जनता को बहुत प्यार मिला, तो आप उनके बीच में जा रहे हैं, आपको किस तरह का प्यार जनता की तरफ से मिल रहा है? मुझे आपके जनता का प्यार उनसे भी डबल मिल रहा है, लेकिन ये सारी की सारी देंदे जो है मेरे बड़े भाई की ही है, और क्योंकि हम आपके बहुत कम वोटों से पहले से भी ज़्यादा वोट लाकर चुनाव हार गए थे, इसलिए मुझे उम्मीद है बुलंदशहर विधानसभा की लोगों से कि वो अब की बार जो गलती अगर हमारे किसी विधानसभा के भाइयों से हुई थी वो गलती ना करकर और इंशाल्लाह ताला बहुत प्यार देकर भारी मतों से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे और हाजी अलीम का नाम रोशन करेंगे। हाजी अलीम को ऊपर वाला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, लेकिन उनके लिए इतना ही प्यार आज है जब वो दुनिया में थे जब भी इतना ही प्यार था, और जब आज वो हमारे बीच नहीं है ये मेरी बदकिस्मती है, तो आज उसी जनता का प्यार डबल मिला। सर, पार्टी की आपने बात करी थी, तो आज़ाद समाज पार्टी बसपा के आने के बाद बसपा सरकार, बसपा जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर इस वजह से लग रही है क्योंकि जो युवा वर्ग है बहुजन का वो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उसमें बसपा को किसी तरह का नुकसान हो सकता है, उसके लिए आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी की जा रही है? अभी आपको बसपा का इसलिए लग रहा है कि जब तक वो संगठन था, जब तक हमारा जो युवा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ संगठन की वजह से उनसे जुड़ा हुआ था, उनका फॉलोअर था, उनका वोटर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक वोटर, एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, एक एक हमारी माँ बहन बहन जी के साथ है बहुजन समाज पार्टी। सर, विधानसभा में इस बार आप किस तरह के मुद्दे जनता के बीच में रखने वाले हैं, और जो मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है किसानों को लेकर, भारी आक्रोश है किसानों में भी, तो उसको लेकर भी आप किसानों के बीच में गए हैं? हम तो खुद ही किसान हैं, हमेशा किसानों के बीच में रहते हैं, लेकिन रहा सवाल किसी भी सरकार का, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि हम बहुत केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की बात करें, हमारा मतलब हमारी खिदमत करना, हमारा रहना अपनी विधानसभा में, अपने जिले के लोगों में रहना, हम उतनी ही बात करें। सर, टाइम 24 न्यूज़ पर आप नज़र आ रहे हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके फैन हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं अपने बुलंदशहर विधानसभा की जितने लोग हैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा, यही अपील करूंगा कि ऐसे आदमी को वोट दें हैं जो 24 घंटे उनके बीच में रहे, और ऐसा आदमी एक ही है, एक चले गए, एक भाई हाजी अली मरहूम चले गए, मैं उनका छोटा भाई हूं, यहां 24 घंटे में रात को 1 बजे भी लोग आते, 2 बजे भी लोग आते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं कि ना यहां इस घर पर किसी से ये पूछा गया कि तू हमारी विधानसभा का है, ना ये पूछा गया तुम किस पार्टी के हो, ना ये पूछा गया कि किस कास्ट के हो, जितना हो सका उनकी मदद की गई और वो हमेशा की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ हाजी यूनुस। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्हें सदर ब्लॉक प्रमुख बनाया गया वो भी निर्विरोध, तो इस बार वो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी बसपा से टिकट लेकर यहाँ करने वाले हैं। अब देखना यह है कि जनता से
इनको किस तरह का प्यार मिलता है और इनके आगे और किस तरह का कंपटीशन होगा। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार के साथ हामिद सैफी, टाइम्स 24 न्यूज, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।